हेलो एवरीवन, क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है? आप सोचते हो कि आई कैन राइट इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, बट इन स्पाइट ऑफ आई एम नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश। तो इसके पीछे रीज़न क्या है और इसका क्या सलूशन है, आप जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को आप पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और आपको सलूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके, ओह सॉरी, थैंक यू। ये सॉरी थैंक यू क्या है? क्या ये हमारा मदर टंग है जो हम सॉरी थैंक यू बड़े इजीली बोल देते हैं सबके साथ? क्या ये हमारा मदर टंग है? नहीं है, ये भी तो इंग्लिश वर्ड है। तो हम सॉरी और थैंक यू इतना इजीली कैसे बोल लेते हैं? बिकॉज वी बिकेम हैबिचुअल टू यूज़ दिस वर्ड इजीली। हर घर में छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो बुजुर्ग हो, सबके जुबान पर ईजिली आता है सॉरी थैंक यू। तो जब हम सॉरी थैंक यू बोल लेते हैं तो हम बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने से पहले 10 times ये क्यों सोचते हैं कि दैट इफ़ आई स्पीक इन करेक्ट इंग्लिश पीपल विल लाफ एट मी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टॉप थिंक लाइक दिस कि इफ़ आई स्पीक इन करेक्ट इंग्लिश पीपल विल लाफ एट मी। अगर मैं गलत इंग्लिश बोलता हूँ तो लोग मेरे पे हंसेंगे। सबसे पहले आप ये सोचना बंद करिए, स्पीक इन इंग्लिश एज मच एज यू कैन स्पीक। सेकेंड थिंग, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कॉन्फिडेंस आपका बिल्ट नहीं होगा तो आप कभी नहीं बोल सकते हो। और कभी भी ये ना सोचो कि जो इंग्लिश बोलता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। नो, इंग्लिश इज़ नॉट सिंबल ऑफ इंटेलिजेंसी, इंग्लिश इज़ जस्ट लैंग्वेज। तो आप अगर कोई लैंग्वेज सीख रहे हो और आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बताओ कैसे बोलोगे आप? चाहे वो इंग्लिश की ही बात नहीं कर रही हूँ, चाहे आप कोई भी चीज़ अपने लाइफ में सीख रहे हो, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं बोल पाओगे। इन द सेम वे आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप उसको बोलने की कोशिश करिए। एक बार गलत बोलेंगे, दो बार गलत बोलेंगे, फिर तीसरी बार सही बोलेंगे। अगर तीसरी बार भी गलत बोलते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम तो सही बोलेंगे, कभी तो सही बोलेंगे। और अगर आप गलत किसी के सामने बोलते हैं और वो बंदा अच्छा होगा या बंदी अच्छी होगी तो ज़रूर आपको करेक्ट करेगी। करेक्ट करेगी तो आप उससे क्या किए, आपको एक अच्छी चीज़ सीखने को मिल गई कि एट दैट पॉइंट आई वॉज़ नॉट करेक्ट। तो इसका करेक्ट मतलब ये होता है, तो आपको दूसरों से कुछ सीखने को मिला। अगर आप बोलेंगे ही नहीं, अगर आप गलती करेंगे ही नहीं तो फिर आप सीखेंगे कैसे? एंड सेकेंड थिंग, सपोज दैट आप समोसा खा रहे हो, तो समोसा हमारा माइंड क्या हमको बोलता है कि हम क्या खा रहे हैं? व्हाट वी आर ईटिंग, आई एम ईटिंग समोसा। तो समोसा क्यों भाई? अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो, यू आर लर्निंग हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन, तो ये समोसा नहीं है, ये रिसॉल हो गया। अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आई एम ईटिंग रिसॉल नॉट समोसा। आप जो भी खा रहे हो, पी रहे हो वाटर, खा रहे हो, अगर समोसा खा रहे हो तो दैट इज रिसॉल, आई एम ईटिंग रिसॉल। तो आपका माइंड जो सॉरी थैंक यू की तरह आपका माइंड रिसॉल बोलना भी एक्सेप्ट कर लेगा कि ओ समोसा को देखते ही आपके माइंड में आएगा कि दैट इज़ रिसॉल। डायरेक्टली आप सोचेंगे कि वो समोसा है। डे वन वोकैबलरी इज़ इनफ। बहुत सारे वोकैबलरीज के चक्कर में ना पड़िए कि मूवी देख लिया वहाँ से भी लिख लिया, यूट्यूब देख लिया वहाँ से भी वोकैबलरी लिख ली, 10 vocabulary लिख लिया बट यूज एक भी नहीं किया, इम्प्लीमेंट एक भी नहीं किया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन एक वोकैबलरी इनफ। आप उसको लिख लो, हाथ पे लिख लीजिए उसको, आप कहीं वॉल पे स्टिक कर लीजिए, अपने रूम पे कहीं लिख के उसको स्टिक कर दीजिए। आते जाते उस वोकैबलरी को आप देखिए और उसको आप अपने कन्वर्सेशन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, तो आप देखेंगे डे बाय डे आपकी वोकैबलरी बिल्ट होती जा रही है। अब सोचिए, एक दिन वो एक वोकैबलरी आपने लर्न किया और उसको कन्वर्सेशन के समय आपने उसको इम्प्लीमेंट किया तो वो आपको ज़्यादा याद होगा। एक दिन अगर आप 5 vocabularies इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, लर्न अगर आपने एनी हाउ कर तो लिया बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि एक वोकैबलरी ही लर्न करें, उसको इंटायर डेज इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट डे फिर से एक नई वोकैबलरी लर्न करिए, फिर इम्प्लीमेंट करिए। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपकी वोकैबलरी जो है बिल्ट होती जाएगी। इम्पॉर्टेंट है, ये हमें कनेक्ट करता है अदर पीपल से। हम कहीं और कंट्री में ही नहीं, अपने इंडिया में ही कहीं गए, वहाँ अदर लैंग्वेज है तो हम नहीं समझ पाए, तो इंग्लिश ओनली वी कैन स्पीक इन इंग्लिश दैट टाइम। तो इंग्लिश की वजह से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। दैट्स वाई नाउ डेज एवरी वन वॉन्ट्स टू स्पीक इन इंग्लिश, लर्न इंग्लिश।
सो माई डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और या इट्स माई रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखा करिए. थैंक यू. कीप प्रैक्टिसिंग स्पीक इन इंग्लिश.